This is Maria Khan from Warren.com. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज मैं मौजूद हूँ ताज रेजिडेंशिया के साइट पे इनके मार्केटिंग ऑफिस में और हमारे चैनल के ऊपर आप लोग ताज की रीसेंट अपडेट्स देख सकेंगे जो करंट यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहे हैं और उसके अलावा जो चेंजेस आ रही हैं जो की फर्दर न्यू डिटेल्स हैं न्यू अपडेट्स हैं रिगार्डिंग ताज रेजिडेंशिया ऑल ऑफ दैट. पुरानी वीडियोज हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि 5 से 6 महीने आप कह सकते हैं कि पुरानी वीडियोज हैं. तो अपडेटेड डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे पास इस साइट पे मेरी वेबसाइट पे ताज रेजिडेंशिया का मॉडल है पूरा इसके ओवरऑल मैप का कि किस तरीके से इसका मैप है और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं कौन से वाले पोजिशनेबल हैं कौन से पोजिशनेबल नहीं है इसके बारे में इस तमाम वीडियो में हम इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे कौन कौन सी अमेनिटीज़ हैं और कौन कौन सी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो आ चुकी हैं इन द टाइम पीरियड ऑफ लास्ट 4 to 5 months. सबसे पहले इनके गेट से स्टार्ट करते हैं. इनके गेट की जो पहली एंट्रेंस है वो है I-14 से. ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसका Gate 1 है और ये Gate 1 से एंट्री होने के बाद ट्यूलिप ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ट्यूलिप ब्लॉक स्टार्ट होता है इसके राइट साइड पर जो है आप लोग देख सकते हैं कमर्शल्स हैं और इसके लेफ्ट साइड पर जो है अपार्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं अपार्टमेंट्स इसके आगे हैं. फिर उसके बाद इसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड दोनों साइड पर अपार्टमेंट्स हैं. फर्दर मोर आगे जाकर जो है इसके मॉस्क है एंड आगे इसके घर वगैरह बने हुए हैं अपार्टमेंट्स हैं पार्क है इसके लेफ्ट साइड पर मॉस्क है और उसके अलावा अगेन विलास एंड ऑल दोस थिंग्स. ट्यूलिप यहाँ पर एंड हो जाता है और ट्यूलिप के बाद स्टार्ट होता है लिली ब्लॉक. लिली ब्लॉक जो है जब हम उसमें एंटर होते हैं, बाय द वे ये सारे ब्लॉक्स के बारे में मैं जो आपको बता रही हूँ ये पोजिशनेबल है. ठीक है, जब लिली स्टार्ट होता है तो ये आप लोग देख सकते हैं ट्यूलिप के फौरन बाद लिली स्टार्ट हो जाता है और इसकी लेफ्ट साइड पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पार्क्स हैं विलास हैं और इसके अलावा उसके राइट साइड पर भी पार्क भी है और उसके बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मॉस्क भी मौजूद है. स्कूल भी यहाँ पर बनेगा और पार्क यहाँ पर जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में लिली के अंदर ही डिफरेंट जो उसके चंक्स डिवाइड हुए हैं उसमें पार्क्स हर ब्लॉक में अलग है. फर्दर मोर लिली के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा थर्ड ब्लॉक. अब लिली का जो ब्लॉक एंड होता है तो फिर आता है ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड जो है अगेन यू कैन सी आई होप कि लेज़र लाइट आप लोग दिखा सकते हो. उसके राइट साइड पर जो है हाउसेस हैं अपार्टमेंट्स हैं फर्दर मोर यहाँ पर हॉस्पिटल भी है पार्क है ये सारी अमेनिटीज़ हैं. यहाँ पर आई पार्क है यहाँ पर गर्ल्स का स्कूल है मॉस्क है यहाँ पर प्ले ग्राउंड है बॉयज़ का स्कूल बनेगा यहाँ पर सेल मार्केटिंग ऑफिस भी यहीं पर मौजूद है जहाँ पर हम इस टाइम पर हैं उस टाइम पर हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं ये उस बेसिकली ऑफिस की लोकेशन है. और लेयर क्लब है यहाँ पर सफारी पार्क भी यहाँ पर बनने वाला है और अगेन ये पूरा का पूरा जो इनका बॉयज स्कूल ये सारा ऑर्चर्ड में आता है. हम लोग जो है दूसरी साइड पर आए हैं मैप के ताकि आप लोगों को जो है ऑर्किड के बाद वाला जो ब्लॉक है दैट इज गार्डेनिया उसका प्रॉपरली मैं आप लोगों को समझा सकूँ. अब जैसे आप लोग देख सकते हैं गार्डेनिया सेक्टर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ऑर्किड एंड हो जाता है. गार्डेनिया में मॉस्क है उसके बाद विलास है एंड फर्दर मोर यहाँ पर सफाई पार्क भी है डिफरेंट यहाँ पे फुली रेजिडेंशियल है यहाँ पे कमर्शियल जो है साइड पे लड़के हैं थोड़े से और ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये आ जाता है गार्डेनिया के अंदर. ये सारा जो आप लोग देख सकते हैं इट इज़ ऑल गार्डेनिया एंड गार्डेनिया जो है ये थोड़ा सा जो है आप लोग कह सकते हैं इट्स अ बिट ऑफ अ थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक है ये. फर्दर मोर उसके आगे हम जाएं तो हम देख सकते हैं रोज़ ब्लॉक. अब जैसे ही रोज़ ब्लॉक स्टार्ट होता है तो रोज़ ब्लॉक के अंदर भी अगेन रेजिडेंशियल टाउन पार्क मॉस्क स्कूल एंड पार्क अगेन ऑन द अदर साइड एज वेल अपार्टमेंट्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स उसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल भी बना हुआ है. सो दिस इज़ बेसिकली द मैप
थोड़ी सी इसमें मैप में जो है चेंजिंग्स हुई हैं, लेकिन ये जो मैं आप लोगों से डिटेल शेयर कर रही हूँ, दीज आर द डिटेल्स जो कि चेंज नहीं हुई हैं एंड दे आर स्टिल द वे दे आर सपोज टू बी. फर्दर मोर अब मैं आप लोगों को रोज के आगे वाले ब्लॉक में लेके जाना चाहूँगी. ओके व्यूअर्स, बिफोर आई एंड द रोज ब्लॉक, मैं रोज ब्लॉक को अगर एंड करूँ उससे पहले आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, रोज ब्लॉक की एंट्रेंस जो है वो गेट 3 से भी है, जो कि IX16 गिरजा रोड से इसकी एंट्रेंस बनेगी. और अभी तक इसकी जो है बेसिकली एंट्रेंस के ऊपर काम नहीं किया गया. उसकी वजह यह है कि गेट 3 के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट का एरिया है जहाँ पर काम चल रहा है इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से, और जैसे ही वो काम वहाँ पर बंद होगा फौरन ही गेट 3 के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा. फॉर नाउ इसकी जो I-15 की एंट्रेंस है और I-14 की एंट्रेंस है वो इस टाइम पर फंक्शनल है. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, दैट इज डेफोडिल. डेफोडिल अगेन यू कैन सी द रेजिडेंशियल्स हियर, रेजिडेंशियल यहाँ पर घर बने हुए हैं, विलास हैं, ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर स्कूल है. बेसिकली जो रोज है और डेफोडिल है वो नियर बाय, काफ़ी करीब करीब है. अच्छा ये जितने भी मैं आप लोगों को और बात बताना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर ब्लॉक्स हैं इन सब में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की रेजिडेंशियल्स मौजूद हैं. सो फर्दर मोर मैंने जब रिसेंटली अपने नए ब्लॉक लॉन्च किया था कॉस्मोस, उसकी लोकेशन जो है उसका जो मैप है वो इसमें इंक्लूडेड, इस मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ, उसका अलग से मैप है जो ऑफकोर्स इसी सोसाइटी के पूरे मैप में आता है, उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी. अब हम लोग जो है डेफोडिल से आगे आते हैं आयरस सेक्टर की तरफ. ये अभी नॉन पोजिशनेबल है और यहाँ पर जो है मैप मैं आपको दिखा देती हूँ कि कई रेजिडेंशियल्स हैं, पार्क मौजूद है, कमर्शल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, मॉस्क हैं. तो मॉस्क जो है बेसिकली हर सेक्टर में, हर ब्लॉक में अलग अलग मौजूद है. आगे बढ़ते हैं जैस्मिन ब्लॉक की तरफ. अब जैस्मिन ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ पे, उसकी लेफ्ट साइड पे पार्क्स है और उसकी राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं रेजिडेंशियल विलास वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, स्कूल है यहाँ पर, मॉस्क है, उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ग्रेवयार्ड है, ये ग्रेवयार्ड का एरिया पूरा, उसके अलावा वो पार्क है, स्कूल है, ग्रैंड मॉस्क है और कमर्शियल है, पार्क है. सो ये सारा का सारा जो है जैस्मिन में आ जाता है. अब चलते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक मैरीगोल्ड की तरफ. ओके व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं जैस्मिन के बाद उनके मैरीगोल्ड जो सेक्टर है वहाँ पर. अगेन एज यू कैन सी ग्रैंड मॉस्क इज हियर, रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया इज हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैंड मॉस्क. ये बीच में जो है आप देख सकते हैं एक तरह से डिस्टर्बेंस डिस्ट्रिक्ट होता है बना हुआ है. बाय द वे सेंटोरस 2 भी जो है वो यहीं पर बनाया जाएगा मेन बिजनेस कमर्शियल के अंदर. तो जो मेन बिजनेस कमर्शियल है वहाँ पर आप देख सकते हैं ताज रेजिडेंशियल के बीच में जो कमर्शियल है, होटल है, ग्रैंड मॉस्क है, मॉल्स हैं, फर्दर मोर डिफरेंट और कमर्शियल की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी डिटेल्स टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती आऊँगी. और यहाँ पर काम भी करंटली स्टार्ट हो चुका हुआ है. नाउ बैक टू मैरीगोल्ड, यहाँ पर अगेन रेजिडेंशियल मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, मॉस्क है, पार्क बनेगा, यहाँ पर स्कूल बनेगा एंड देन वी कम टू द सेक्टर जीनिया. अगेन इट इज़ वेरी क्लोज बाय, इसकी भी यहाँ पर रेजिडेंशियल है, पार्क है, ब्रिज स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज स्टेशन आप लोग देख सकते हैं, अपार्टमेंट्स आप लोग देख सकते हैं. तो ये इस तरीके से यहाँ सर जो है ये सारा का सारा जीनिया का ब्लॉक है. फर्दर इनके और भी ब्लॉक्स हैं जो इसमें अभी तक एडिड नहीं है, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. व्यूअर्स, एक और चीज़ आप लोग साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज गेट 2, गेट 2 ऑफ ताज रेजिडेंशिया. और आप जब इससे एंटर होते हैं ये इधर इसके राइट साइड पे जो है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे सारे अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आगे जाकर कमर्शियल्स हैं. और ये जो गेट 2 है ये जाकर डायरेक्टली अटैच होता है ब्लॉक जीनिया को एंड मैरीगोल्ड को. और इसके अलावा जो इनका ब्लॉक है कॉस्मोस, मोस्ट प्रॉबली उसकी लोकेशन है I-16 से, तो उसकी कॉस्मोस की जो एंट्रेंस है वो डायरेक्ट होगी I-16 का जो वहाँ पर एंट्रेंस होगा वहाँ से, जिसका मैप अभी तक जो है मैप अप्रूव जो है हो चुका है, लेकिन वो इस ओवरऑल जो इसकी मॉडल है ताज रेजिडेंशिया का उसमें एडिड नहीं है बिकॉज इट्स एन ओल्ड मॉडल. तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगी, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने कॉस्मोस में इन्वेस्टमेंट की हुई है. सो व्यूअर्स, ये थी ताज रेजिडेंशिया का जो पूरा ओवरऑल मैप है. इट्स अ बिट ऑफ एन ओल्ड मैप, लेकिन
एग्जैक्टली जो है पूरा का पूरा मैप ओवरऑल बाहर से बिल्कुल ऐसा ही है. फर्दर जो लोगों ने मजीद लैंड बाय किया है फॉर न्यू ब्लॉक्स वो सिर्फ इसमें एडेड नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज कम्प्लीट, कोई खास चेंजेस हुए हैं इसमें. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको आप लोगों को दिखाना चाहिए सो दैट यू कैन विजुअलाइज दैट हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. गेट दिस इज गेट वन इसका गेट टू मेरी राइट साइड पर इसका गेट टू है और मेरे बिल्कुल उसके बाद आप लोग आई डोंट नो इफ आई कैन सी दैट यस और उसके बाद बिल्कुल सामने है वो आप लोग देख सकते हैं ग्रीन लाइट दैट इज गेट 3 I-16 से इसके एंट्रेंस है. एंड अगेन I-16 के एंट्रेंस के ऊपर काम जब तब स्टार्ट होगा जब गवर्नमेंट का जो उसके सामने एरिया है वंस इट स्टार्ट्स टू उनके जो वहाँ पर काम चल रहा है वो रुकता है उसके बाद ही यहाँ पर I-16 के गेट पर काम करना स्टार्ट किया जा सकेगा. और कॉस्मोस ब्लॉक की जो लोकेशन है I-16 की एंट्रेंस से होगा. सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ताज रेजिडेंशिया के बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा दैट हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. फर्दर मोर एक और टूर की वीडियो कार टूर की वीडियो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये तो मैंने आप लोगों को मैप दिखाया खाली इट्स अ मॉडल ऑफ ताज रेजिडेंशिया बट आई विल शेयर विद यू ऑल्सो कि इसका जो फिजिकली ये देखने में कैसा है फिजिकली यहाँ पर अभी करंटली क्या डेवलपमेंट स्टेटस है क्या काम हो रहा है यहाँ पे जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल स्टे ट्यून्ड टू हमारा .com देखते रहिए हमारा .com को एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़. अमानत .com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल मशवरा अमानत है.